अबे ओए, तेरे को बॉडी दिखती नहीं है क्या? साहब टक्कर होनी थी, हो गई, अब क्या करें। वैसे अच्छी गाड़ी है, काफी कीमती होगी। 3,800 रुपए की नौकरी में 20-25 हजार रुपए की घड़ी, कमाल है। तू होता कौन है इस घड़ी का हिसाब पूछने वाला? आप नहीं जानते तो फिर आपके लिए आम जनता, और जनता को सरकार से हिसाब मांगने का पूरा पूरा अधिकार होता है ना। तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा क्या? हिंदुस्तानी है साहब, आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। तो तुझे इस घड़ी का हिसाब चाहिए? इतनी कीमती घड़ी आपके हाथ में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शहर का कानून किसके हाथ में होगा, आपके हाथ में या इस घड़ी वाले के हाथ में? ओए, तू होता कौन है घड़ी का हिसाब पूछने वाला? तू लीडर है? नहीं। तू आईटी ऑफिसर है? नहीं। तू जर्नलिस्ट है? नहीं। तो तू होता कौन है घड़ी का हिसाब पूछने वाला? तू होता कौन है? घड़ी में पंगा जरूर है साहब, इसलिए आप घड़ी 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 की बात पर भड़क रहे हैं। है ना प्लीज। शायद तू इस वर्दी की ताकत को पहचानता नहीं, चंद घड़ी हवालात में रहेगा ना तो घड़ी घड़ी इस घड़ी के बारे में पूछना भूल जाएगा। हमें हवा खिलाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि हम यहाँ सबकी हवा टाइट करने को आए हैं। चलें। चल तुझे बतलाऊंगा हवालात में कि मेरी घड़ी की कीमत क्या है, शायद तू अभी हमें जानता नहीं कि हम चीज क्या है। हाँ ऑफिसर, ऑफिसर। यस सर। आपको बड़े सामने बुलाया है। यस ऑफिसर। ये ऑफिसर जी हाँ। अरे आपके हाथ में हथकड़ी? साहब मुझे अपनी वर्दी की ताकत दिखा रहे थे। मिस्टर बूटे, यू नो ही इज अ सीबीआई ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर सूरज प्रकाश। लेकिन सर इन्होंने तो कुछ और कहा था। आम जनता। हाँ आम जनता। इस वर्दी के पीछे हम सब आम जनता ही है। और एक और बात याद रखिए, ताकत इस वर्दी में नहीं, इसके पहनने वाले की जमीर में होती है। राइट सर। चलिए सर। मुझे लगा क्या? इंस्पेक्टर सूरज, अब तो ऐसा लगने लगा है यश ठाकुर का केस तुम्हारे हाथों में देकर डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों सर? इतने हफ्तों के बाद भी ना तो यश के खिलाफ तुम कोई सबूत लाए हो और ना ही तुमने कोई रिपोर्ट बनाई है। सर अगर यश मुजरिम होता तो ही मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता। सर मैंने तो हमेशा यही पाया है कि यश ठाकुर साहब के गैरकानूनी कामों को एक नया मोड़ दे रहा है। कैसा नया मोड़? सर जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 5-star होटल्स, यहां तक कि हॉस्पिटल्स भी सर। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई और इन सब के पीछे यश ठाकुर का हाथ है। जैसे? जैसे आर्म्स एंड एमिनेशन की ट्रेडिंग, ड्रग पेडलिंग, एक्सटॉर्शन, हवाला एंड मेनी मोर। किस सोच में पड़ गया ऑफिसर? इज दिस न्यूज टू यू? कुछ नहीं सर। सर मुझे 48 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं इस केस की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं।